गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। आज का जमाना जो है वो विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। हम जैसे कवारे ये बात अब समझ रहे हैं, वरना शादीशुदा आदमी उसी दिन समझ जाता है जिस दिन वो घर से देर से पहुंचता है और फिर आटा गूंदने वाले हाथों से जो मुंह पे मुक्के पड़ते ना, पूरे पराठे छपते हैं बाजी। बीवियां तो शुरू से पावरफुल रही हैं, आप बखूबी जानते हैं। बिल्कुल, अब वक्त है बेटियों को पावरफुल बनाने का और उनकी पावर को सल्यूट करने का। तो बाजी, आज की हमारी जो मेहमान है वो ऐसी दो बेटियां हैं जिन्होंने कुश्ती के दंगल में उतरकर देश का नाम रोशन किया है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा गीता और बबीता फोगाट को। गीता बबीता, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी लाइफ पे जो फिल्म बनी है दंगल बाजी, बहुत सुपर डुपर हिट हो चुकी है, लोग उस फिल्म को बहुत प्यार दे रहे हैं और ये एक्चुअली दंगल की रियल हीरोज हैं। तो तालियां और तेज हो जाएगा। दुनिया में ना जी महिला सशक्तिकरण की बहुत बातें होती जी, लेकिन उस इंस्पिरेशन के लिए अगर कोई जीता जागता बहुत तगड़ा उदाहरण है ना, तो वो गीता और बबीता है। और ये प्रमाणित हो चुका है कि बेटियां मां की झलक और पिता का स्वाभिमान होती हैं। ये सर्वदा सीता दुर्गा सावित्री सी महान होती हैं। अपनी वीरता से लहराती हैं विजय श्री का तिरंगा, है शक्ति की सच्ची मिसाल, बेटियां शाने हिंदुस्तान होती। क्या बात, गॉड ब्लेस यू। गीता बबीता आप दोनों को, अच्छा ये बड़ा अच्छा, गीता बबीता मेरे मुंह से फटाफट निकल जाता है। गीता होती सुमन होती तो आदमी अटक जाता है। तो गीता बबीता आपको याद है आपने अब तक कितने मेडल जीत चुके हैं? अभी तक तो मतलब काउंट नहीं किए थे, लेकिन अभी जब दंगल मूवी बन रही थी तो अमेरिकन प्रोडक्शन हाउस ने पूछा कि टोटल कितने मेडल जीत चुके। तो सभी सिस्टर्स के इंटरनेशनली अगर हमने जब काउंट किए तो 35-40 के करीब हमारे मेडल्स थे। क्या बात है, अब बैठ के बात करते हैं आप। वैसे तो आप पहलवान खड़ी भी रह सकती हैं, पर मैं थक जाऊंगा। आइए बैठ। और गीता बबीता की मम्मी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी दोनों छोटी बहनें भी यहाँ पे मौजूद हैं। गीता बबीता ने बचपन में जो प्रैक्टिस करी थी अपने कजन चाचा के लड़के जिनको इन्होंने बहुत पीटा है, वो भी यहाँ पे हैं। तो गीता बबीता आपने जितने भी मेडल्स जब निकाले जी, तो आपने जाके किसी सुनार की दुकान में ज्वेलर के पास चेक नहीं किया कितने तोले सोना है कितने तोले चांदी है? जब शुरू शुरू में मेडल मिला हमें तो देखा कि असल में सोने का मेडल है या फिर कैसा है। अच्छा, तो घर आए तो फिर पापा से पूछा, उनको भी एक्चुअली नहीं पता था कि सोने का होता है या क्या होता। अच्छा, है तो उन्होंने भी पूछा होगा तो पता चला कि एक्चुअल में सोने का मेडल नहीं होता। सोने का होता नहीं है? नहीं होता मतलब, पर नहीं यार ये तो खैर हंसी मजाक की बात है, लेकिन वो गोल्ड जीतना, उस गोल्ड कलर को जीतना, ये बहुत बड़ी बात है और आपने वो कर दिखाया। देखो गोल्ड तो 40,000 तोले आ जाएगा, 70,000 तोले आ जाएगा जी, लेकिन जी। जिस बात के लिए वो गोल्ड मिलता है उसका कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। मैंने मैं इसलिए पूछ रहा था बिकॉज आजकल सरकार जो है और लड़कियों को ज्यादा सोना रखने की इजाजत दे रही है। मैंने कहा अगर ज्यादा इकट्ठा हो गया आपके पास तो खैर, आप तो बहनें भी 4-5 हैं, मम्मी भी हैं, तो घर में 6 लेडीज तो यही है, उसके बाद भी अगर बच जाए तो मुझे भी भाई समझे अपना आप। अच्छा, हमने तो फिल्म में देखा बाजी इनकी स्टोरी कि ये सुबह 5 बजे उठ जाती थी, ये सच्ची बात है आप 5 बजे उठती थी? उठती नहीं, हम उठते भी हैं 3:30-4 बजे, 5 तो थोड़ा लेट। गांव में जो मुर्गा उसको भी आप ही उठाती जा ना, तू उठ भाई तेरे बांग देने का टाइम हो गया, मुर्गा भी सोचता था गीता बबीता उठ गई तो 3:30 उठ जाती हैं आप जी। अभी भी हम इतने 4 बजे हम ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो फिर कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं आप? हम 2.5-3 घंटे मॉर्निंग में करते हैं और 2.5-3 ही शाम को करते हैं। क्या बात है यार, ये मेहनत का ही नतीजा बाजी। अदरवाइज मैंने इनकी डाइट पूछी थी जी, अब मैं इनसे वेरीफाई करना चाहता हूँ कि कोई कहता है जी 100 बादाम घोट के उसका उसकी सरदई बना के पीते, ये सही है बात? जी बिल्कुल सच है। कितने बादाम रोज? 100 से 150 एक के लिए। ओए मर के ओए। कई बार जैसे कि बच्चों से या भी जिनके पेरेंट्स करवाते हैं स्पोर्ट्स तो मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि बादाम कितने खाते हैं, तो वो बोलते हैं कि 10 गिरी 12 गिरी, तो हम सोचते हैं कि 10-12 गिरी में क्या होगा, हम 150-150 गिरी खाते हैं। पर मुझे भी किसी डॉक्टर ने बताया, कहता 10 बादाम भिगो के ना सुबह खाया करो।
तो मैं भिगोता हूं। तुझे 10 बताया, मैं 6 खाता हूं। 6 खाते हो? 10 बादाम तो पानी में डाल लो, 2 तो पानी खा जाता है, बाकी बचता कुछ है नहीं। तो आप एक्चुअली लड़कों को पीटती थी? मतलब कितना पीटती थी? आप बिल्कुल मेरी बहन जैसी हैं। आई मीन एक्चुअली ऐसा हुआ था कि आप लड़कों को पीट देती थी? देखिए, हम शरारती तो बचपन से ही थे। जब हम स्कूल में जाते थे तब भी, और हमारे खून में ही था वो शरारतीपना, या किसी को भी मार देना। किसी को भी मार देना? नहीं नहीं, नहीं। पर अगर बच्ची थी इतना पीट देती थी, अब तो माशाल्लाह जवान हो गई है। तो ये गीता और बबीता की दोनों छोटी सिस्टर्स हैं, इनको माइक दे दो। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम संगीता फोगाट है, मैं सबसे छोटी हूँ चारों बहनों में से। और मेरा नाम रितु फोगाट, मैं बबीता से छोटी। तो आप चार बहनें हैं, तो चारों ही चारों रेसलिंग करती हैं आप? जी जी। अगर आप... बदला लेना है आपको? मतलब बदला नहीं लेना, हमारा एक ये एम है कि हमें अपने देश का नाम रोशन करना है। जैसे हमारी बड़ी बहन ने किया है, जो भी हमारे घर में जन्म लेगा वो सिर्फ रेसलिंग ही करेगा। क्या बात ये बात। गीता बबीता की मम्मी जी से पूछना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है आंटी जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके घर में सारे पहलवान है, आप क्या खाती है? मैं तो जी दूध दही खाया करूं, घी और चूरमा, और कभी कभी चिकन भी खा लेती हूं। पर अच्छा, वो जो मैंने फिल्म में देखा उसमें दिखाया कि गीता बबीता की मम्मी को बड़ी प्रॉब्लम थी चिकन खाने से। वैसे मैं बताऊंगी कपिल जी, अभी तक चिकन नहीं खाते थे मेरे मम्मी, लेकिन शायद लगता हमें अभी पता चला कि जब से दंगल फिल्म देखी है उन्होंने भी खाना शुरू किया। तो बड़ी बात नहीं है, हमें एक साल बाद पता चले कि गीता बबीता की मम्मी भी पहलवानी में उतर आई है। अब हो गई चार बेटियां, एक की शादी कर दी, अब मैं भी आऊंगी खाने में। गीता बबीता, आपकी लाइफ की अबसे सबसे टफ कुश्ती कौन सी रही है, जिसको आपको लगा कि यार ये हार भी सकती थी पर उसको जीतने के बाद आपको बड़ी खुशी हुई हो कि ये बहुत मुश्किल थी कुश्ती? मेरे लिए अगर मैं बताऊं तो एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स में थी, और वो थी सेमीफाइनल बाउट एक्चुअली थी। अच्छा। वो नाइजीरिया की पहलवान के साथ मेरी कुश्ती थी। हां, और वो देखने में भी मतलब वैसे भी बहुत स्ट्रांग होती है ना, कि मतलब उनके सिक्स पैक तो वैसे ही होते हैं ना। यस यस यस, वही तो फिर यस। तो सेमीफाइनल में जब उसके साथ कुश्ती आई तो बहुत टफ मैच हमारा रहा, क्योंकि अगर वो मैं हार जाती तो फिर मुश्किल था मेडल। तो सेमीफाइनल उसके साथ, और एक राउंड वो जीत गई, एक राउंड मैं जीत गई। और उस टाइम हमारा क्लिंच का होता था कि टॉस में जो विन करता है वो पैर पकड़ेगा, और वो टॉस भी वही जीत गई। अटैक भी वो करेगा? अटैक भी वो करेगा, उसने मेरा पैर उस पकड़ के 30 सेकंड होता है, और कुछ उसमें 5 या 7 सेकंड जो रेड जोन हमारा होता है। जी, जी, जी। तो वहां से मैंने पता नहीं कैसे भगवान ने बचाया मुझे, या मैं सचमुच मैंने भगवान को याद किया कि भगवान ये क्या हुआ, और तुरंत मेरा पॉइंट हो गया वहां पे कुछ 5 सेकंड। वो आपके अंदर से जो स्ट्रांग है आप, yes, दिल से कि मुझे जीतना है, मुझे अपने देश के लिए, मुझे अपने पिता का नाम रोशन करना है, तो ये जो भावनाएं होती है ना कभी कभी ये बहुत वर्क करती है, और आपने बहुत मेहनत की। बबीता, आपकी सबसे मुश्किल कुश्ती कौन सी रही है? मेरी आज तक जितनी भी बाउटें हुई, मुझे लगता है मेरी सारी मुश्किल ही रही है। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जी, मैं बाउट से 2 दिन पहले मेरे नी में चोट लग गई, और डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था, लिगामेंट मेरा 2 ग्रेड टियर हो गया था। अच्छा। तो डॉक्टर ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि आप नहीं खेलोगे, लेकिन मैंने कहा डॉक्टर को कि नहीं मैं खेलूंगी। और डॉक्टर को बोल नहीं तो मेरी जगह तू खेलेगा जाके, इतना बड़ा गेम है और इतनी मेहनत करके आए हैं। तो मैंने खुद ही ये कहा कि नहीं, कुछ भी हो मैं अगर यहाँ पे आई हूँ तो मैं खेल के ही जाऊँ, चाहे मेरा पैर दोनों टूट जाए। और यही स्पिरिट होती है बिल्कुल, क्यों? और जब हम मैट के ऊपर जाते हैं तो हम दर्द भूल जाते हैं कि हमें कहाँ पे चोट है, क्या है, सब कुछ भूल जाते हैं उस मेडल के आगे, कि बस मेडल जीतना है अपने देश के लिए। उस टाइम वो देश दिखाई देता है, उन लोगों को प्यार और दुआएं दिखाई देती हैं, करोड़ों लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, आप आगे भी बहुत नाम कमाएंगे। थैंक यू। तो अब वक्त है उस शख्सियत को यहाँ पे बुलाने का जिनकी मेहनत, लगन और पक्के इरादे की वजह से इन दो बेटियों ने देश का नाम रोशन किया। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा
गीता और बबीता के पिताजी और गुरु श्री महावीर सिंह फोगट साहब। महावीर सिंह जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने ऐसी चार होनहार बेटियां जो हैं वो देश को दी हैं, जो नाम रोशन कर रही हैं पूरे देश का। सो बहुत बहुत बधाई आपको। महावीर जी, पहले जमाने में ना लोग बेटे की मनोकामना करते थे कि उनको लगता था कि यही मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन माँ बाप के लिए सबसे बड़ी नयामत ये होती है कि उनका परिवार और उनका देश उनकी बेटियों के नाम से जाना जाता है। इससे बड़ी कोई चीज नहीं। तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपकी बेटियाँ आपके परिवार की पहचान है, हरियाणा की पहचान है, और सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान की आन बान शान। बहुत बहुत बधाई आपको। जहाँ लड़की नहीं होती, मैं तो उस घर को नरक मानता हूँ। क्या बात। अच्छा, सरकार आजकल ये प्रचार तो कर रही है कि बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी। आपके मन में कैसे आया कि बेटी पीटेगी तभी आगे बढ़ेगी? महावीर जी, सच्ची बात है कि इन्होंने जब किसी लड़के को पीट दिया तब आपके दिमाग में ये आइडिया आया था? उस टाइम जो लड़कियों कुछ थी हरियाणा के अंदर नहीं थी, और हरियाणा के अंदर तो खास करके लड़कियों का जो बारिश घर से निकलना, अकेले जाना बहुत ज्यादा महाभारत होता था जी। जब गीता छोटी पैदा हुई तो इसकी मम्मी तो मायूस होगी, जब मेरे माँ बाप थे वो सब मुंह लटकाए बैठे। लेकिन मैंने इसकी मम्मी को बोला, मुझे क्या बात होगी, लड़की भी तो त्रिकूक से पैदा हुई। और मैंने उस दिन बोला, मैं सच्चाई बात बता रहा हूँ भाई, एक दिन मेरी बेटी हिंदुस्तान में नाम रोशन करेगी, इसकी मम्मी को मैंने शब्द कहा था। क्या बात है। तो मैंने जो है सोचा, 2000 में गीता जो उस टाइम 9-10 साल की थी, अच्छा, तो मैं इसको पहलवान बनाएंगे। तो मैंने शुरुआत कर दी, बबीता भी साथ ले ली। मेरे पिताजी थे, मेरी माताजी थी, वो काफ़ी जो नाराज़ हुए इस चीज़ से। लेकिन मैंने तो दिमाग में सोच रखी थी भाई, क्यों मैंने जो इसको इनको पहलवान बनाना है, क्यों मेरे में जो कमी थी मैं क्यों नहीं हो सकता, तो इनकी मैं वो कमी नहीं रहने दूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था। क्या बात है। पर आपका वो जो प्रयास था वो सफल भी रहा, क्योंकि सच्ची लगन से आप कुछ भी करते हैं तो ऊपर वाला भी आपके साथ होता है। बहुत बहुत मुबारक आपको। पर वैसे महावीर सिंह जी, आप फिल्में वगैरह देखते हैं? कभी देखी हैं आपने फिल्में? फिल्म का शौक बहुत कम है मेरे को, बस 5-7 देखी हूँ, ज़्यादा 5-7 ही देखी। तो मैं हमने सुना है कि बच्चों को तो आपने देखने नहीं दी, क्योंकि आपने कहा कि फोकस करो अपनी गेम के ऊपर। आंटी जी को दिखाई कभी फिल्म साथ में? जो गीता की मम्मी है उसको जो जो पशुओं का चारा लाना, इनका खाना बनाना, तो इसको तो कभी सोने की फुर्सत नहीं मिली। पर वही है, देख लो कि जिन्होंने जो इतने भोले भाले लोग हैं, अपनी मेहनत करनी है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, फिर ऐसे लोगों के ऊपर फिल्में बनती हैं। क्या तो दंगल बनी भी है। और आपने महावीर सिंह जी सोचा था कि कभी आपकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनेगी और आमिर खान उसको निभाएंगे और दंगल मंगल हो जाएगा? और प्रोड्यूसर का तो हो गया, मेहनत आप करते रहे, 400 करोड़ आमिर खान कमा गए। सर मेरी सोच एक ही है, आज भी है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना, और उसके लिए मैं अभी प्रयास से जाऊँ। क्या बात है। तो ये फिल्म में जो दिखाया था कि आपने बच्चों के बाल कटा दिए थे, दोनों बेटियों के बिल्कुल एकदम छोटे छोटे बाल करा दिए थे। अभी भी छोटे-छोटे हैं। ये तो बहुत बड़े हो चुके हैं अभी तो। और छोटे करा दिए थे? अभी तो होने वाले हैं छोटे फिलहाल भी। अच्छा, क्या है जो उस टाइम जो मिट्टी के अंदर जो कुछ जो इनके जो प्रैक्टिस करवाया करता, तो मिट्टी बालों के अंदर घुस जाए, पसीने से जो मिट्टी आँख खुल जाए, और फिर बहुत मुश्किल काम हो जाता जी। भाई सुंदरता जब दिखाओ, जब अपनी जो जो पहचान है ना, जो कुश्ती की है जी, ये मेहनत करके ओलंपिक में गोल्ड मेडल लो, दुनिया अपने आप तुम्हारे को देखने लगी। बहुत अच्छे विचार हैं सर आपके। बेटियों के बाल कटवा दिए, खुद हैट पहन लिया महावीर जी ने, खुद गोरे अंग्रेज हो गए। अच्छा भाजी, जैसे 8 नवंबर को रातों रात 500,000 के नोट बंद हो गए ना, वैसे ही इनकी जिंदगी में भी 8 नवंबर आया था। महावीर जी के एक दिन दिमाग में आया, रातों रात इनके गोलगप्पे खाने बंद कर दिए। ये सच्ची बात है गोलगप्पे वाली? अकेले गोलगप्पे नहीं, मतलब कोई भी मिर्च मसाले की कोई भी चीज, अच्छा, पराठे हो चाहे अचार या फिर मतलब ऐसी कोई भी चीज पापा खाने ही नहीं देते थे। मुझे एक्चुअली अच्छा भी लग रहा है, और ये भी लग रहा है कि नहीं यार, बहुत मेहनत की है बचपन से, तो हमने आपके लिए गोलगप्पे मंगवाए। आज दोनों बहनों का कॉम्पिटिशन होता है ज्यादा कौन खाएगी। मंगवाया जाए जरा पानीपुरी वाला, पानीपुरी वाले को बोलो ठेले समेत आ जाए।
एनर्जी एंड फैमिली आई हुई है। पाजी मेरा खर्चा बच गया है क्योंकि पहलवान लोग चाय नहीं पीते। माय लागू गीता बहन जी नमस्ते, बबीता बहन जी नमस्ते, बहन जी बोलना पड़ेगा पहलवान है। सो बहुत अच्छा लगा सर आज आपके पाँव को हाथ लगा के आपसे मिलके, हमें जो सभी से मिलके बड़े खुशी हुई। मुझसे नहीं हुई सर, और आपने बोले और जो ऐसा प्रोग्राम है जी, अगर हफ्ते में दो चार बार ऐसे हंस लिए तो कभी बीमार नहीं होगा वो। क्या बात है। और पाजी और कपिल शर्मा जी आज आपके लिए मैं एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। क्या सरप्राइज ले? पहले तो चाय लेके आता था। आज सरप्राइज है। हाँ जी मैम, ऐसे क्या देख रहा है? मुझे पहचाना नहीं? नहीं। अरे मैं तेरे नानी का छोटा भाई। आपसे मैं कभी मिला नहीं, आप पहले तो कभी आया नहीं। हाँ भाई, तू लड़कों को बुलाता कहाँ है भाई? महावीर जी नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार गीता बबीता, खुश रहो बच्चों। वो तो बहुत खुश हैं, वो तो मेडल जीत रही हैं। आपका क्या हो रहा है? इधर मैं बताता हूँ ना, हम लोगों ने कोलैबोरेशन की है कि हम क्या किया है। हम लोगों ने सोचा है अब ठीक है। हाँ क्या सोचा है? हम लोगों ने सोचा कि हम दंगल टू बनाएंगे। दंगल टू? दंगल टू बाद में बनाना, पहले घर में बाथरूम बना लो जाओ। दरअसल क्या है महावीर जी, मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं भी चाहता था कि मेरी बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट हो, लेकिन क्या करूं, मेरा कोई भी लड़का लड़की बनने को तैयार ही नहीं हुआ। और मामा जी हर जगह लड़के लड़कियां नहीं बनते, लड़कियां पैदा भी होती हैं। अच्छा हाँ जी, तो इसको समझाओ। अरे खैर सब वो सब छोड़िए, एक्चुअली महावीर जी हमारी जो फिल्म है वो भी 100 mm के पर्दे पर आनी है, तो मतलब बहुत बढ़िया फिल्म है हमारी। बहुत बढ़िया जी। और हम भी परफेक्शनिस्ट हैं। चलो इसी बात पे स्पेलिंग हो जाए। पाजी मुझे पता था इसने ये स्पेलिंग वाली बात जरूर करनी है, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। पारा आगे रिसेप्शनिस्ट। आप बताओ परफेक्शनिस्ट की स्पेलिंग। KAPAL। ये क्या 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 है? नंबर वन शो है तो मैं प्रोफेशनल। एक मिनट चंदू। हाँ जी। ये तो चलो सीनियर है, इनको हाँ तो अकल है नहीं। हाँ। तेरे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है आमिर बनने का? आपको अकल नहीं है? हर बंदा तरक्की करता है पाजी। करता अब रजनीकांत साहब थे, वो पहले बस कंडक्टर थे, आप भी पहले देखो क्या थे आप। क्या था? क्या थे आप बताऊं तो सबको पता चल जाएगा। मैंने सारे काम अच्छे किए सिवाय इसके साथ दोस्ती करने के। और सिद्धू पाजी देख लो, एक एक रन के लिए भागते थे, आज हंसी हंसी खुशी खुशी लाखों को मारे हैं। और वैसे भी पाजी मेरे हौसले आजकल बड़े बुलंद हैं। देखो इनसे सीखो कुछ, कैसे देश का नाम रोशन किया जाता है। बेवकूफो मेहनत करनी पड़ती है सब करने के लिए। तो क्या हम कम मेहनत करते? क्या करते हैं? बिल्कुल बंदे से औरत बन जाता है तो इससे ज्यादा नहीं होता। इसको समझा, नानी बनने का प्रोसेस कितना बड़ा है आपको पता है सिद्धू जी? बहुत तगड़ा, बहुत। पहले असेंबल करो फिर डिसमेंटल करो, मेहनत तो लगती है ना। एक मिनट, अभी तो आप कह रहे थे आप मेरी नानी के छोटे भाई हैं। कहने में क्या है, कहने के लिए तो सिद्धू साहब भी कहते ठोको ताली, ठोको ताली। ताली ठोकते हो? नहीं ना, बजाते हो ना फिर? और हल्के में मत लेना प्लीज, बहुत मेहनत की है इस गेटअप के लिए। 12 लीटर दूध पी जाता हूँ मैं। 12 लीटर दूध आपके पास कहाँ से है? इसकी चाय बिकती कहाँ है? दूध तो मैंने पीना है। चाय पीने वाले बिल्ले 2 मिनट चुप कर जाओ। हे सोनी साहब, आपने इनको शो दे दिया तो प्लीज इनको बोलो हमारी बात सुना करें। गीता ये चंदू है ना जो उस तरफ वाला, इसको बड़ा घमंड है, कहता है मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। इसको थोड़े से वैसे दांव पे सिखा दो। सिखाओ सिखाओ इसको, सिखाओ सिखाओ या उठा के पटक दो। जो आपका दिल करे, बहुत कलाकार है, शो बहुत अच्छा चल रहा है, पटक दो। मैं तो कहता हूँ मैट मंगवाओ जरा। मैट हमारा बजट बहुत है, मैट मंगवाओ।
मैं सचमुच में पहलवान रहा हूँ, हाँ, पर मैं लड़कियों से नहीं लड़ता। उसके भाई भी हैं नीचे, वो उनको बुला लूं? फिर ऑडियंस में नहीं, ऑडियंस में नहीं, जो स्टेज पर है। पापा है, पापा है, ये तो गुरुदेव हैं, गुरु के साथ नहीं। ये मैट लाए हो, गद्दा लाए हो? ओए, अस्पताल से गद्दे उठा लाए हो? ये मैट है? आजा, इस पे चोट भी कम लगेगी चंदू। रजाई और तकिया कहाँ है? इधर आओ। किता, देखो जरा सिखाओ जरा दो चार दांव पेच। यार मेरी बात सुनो। नहीं, इधर बारात आने वाली, तीन गद्दे किस लिए बिछा रहा है? चल भाग जा। आ जरा। गीता जी मेरी बात सुनो, ये पता क्या कॉमेडी शो है, सीरियस नहीं होना हमने। नहीं नहीं, वो तो सीरियसली पहलवानी करती ना। आ जाओ, खड़ी कार में टूट जाएगी, मैं तेरे को पहले बोल रहा हूँ। मैं दूर दूर तक कुश्ती से कोई लेना देना नहीं है, मेरी पतंगों की दुकान है, पतंगों की दुकान, मान जा। अभी तक पकड़ो से ही बड़े है पहलवान ही है, औरतें बनो वही सूट करता है तुम लोगों को, तुम बड़े पहलवान बने थे। चलो ऐसे ही निकलो फटाफट। ये भी हटाओ फटाफट। आपने फिल्म में किरदार देखा होगा जिसको गीता बबीता जिनके साथ प्रैक्टिस करती हैं, तो उनके कजन भी यहाँ पे हैं, ये भी पहलवानी करते हैं, इन्हीं को क्यों चुना था गीता पापा ने पीटने के लिए? इनसे कोई गलत शरारती थे ये? देखिए फिल्म में मतलब सिर्फ इन ये भाई दिखाए गए हैं, मेरे परिवार में और भी दो तीन भाई थे। सारे भाई पीटे आपने? ये ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, ये मसाला बनाने के लिए ऐसा हुआ था। फिल्म को गीता बबीता ने नहीं पीटा? नहीं नहीं नहीं, ये अभी तो मना करेगा इस शो पे बैठ के। देखो, आप चाहे लाख कहें कि ये सच नहीं है, पर मैं आमिर खान पे बड़ा विश्वास करता हूँ। नहीं, पर जब आप प्रैक्टिस करते थे गीता बबीता के साथ, हाँ जी, तो आपको ये होता था कि नहीं यार मेरी बहनें हैं, मैंने थोड़ा मैं आराम से, मैं ज्यादा जोर नहीं लगाना है? ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं, मतलब प्रैक्टिस तो करते थे, ये तो सच है कि नहीं? मैं प्रैक्टिस तो करते थे, ये सच है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि ये कमजोर है या कुछ है। ताऊ जी तो स्पेशल कहते थे कि इनको तू सही कर सकता है। नहीं नहीं, ये सबसे ज्यादा गुस्सा इसको आता है, मतलब सही, मतलब हमारी नाक रगड़ना, नीचे आने के बाद घुटना गर्दन पे रख देना कि रगड़ के लेना इनको। कपिल सर, जब तक गुस्सा नहीं होगा तब तक आप रेसलिंग नहीं कर सकते। और वो नहीं, रितु भी उसके साथ है, रितु भी उसके जैसी ही है, अगर उंगली का अगर नाखून भी मिल गया तो वो उसको भी तोड़ के बाहर निकाल के ला सकते हैं। बड़े खूंखार पहलवान हो आप। गीता, तो ये कुश्ती करती है मेरे साथ, मेरी पार्टनर ज्यादा होती है, अगर मैं चितना हो ना तो ऐसे ठोटी नहीं रगड़ देती कमर पे, जो कि लाओ नहीं है कुश्ती में। मतलब सगी बहन का भी कोई लिहाज नहीं, नहीं। पर अच्छी बात है ये, मतलब ये स्पिरिट आपके अंदर है जो है, और अगर बहन को भी नहीं माफ करती तो आगे चल के फिर ये गोल्ड लाएंगी लाएंगी, क्योंकि ये दूसरों को क्यों माफ करेंगी फिर? तो ऐसे ही रहिए आप। पर अभी आपको गर्व होता है इस बात में? हाँ, बहुत ज्यादा। तो आपने कभी कहा है एक दो मेडल मुझे भी दे दो? मांगने से मेडल थोड़ी मिलेंगे सर। क्या बात है, ये तो कमाने पड़ते हैं। अच्छा, वैसे आमतौर पर जो घरों में होता है, बहन भाइयों में लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी बहनें बहनें भी आपस में लड़ती तो एक दूसरे की चोटियाँ खींच देती हैं, है ना? आपकी तो थी नहीं चोटियाँ। तो घर में लड़ते थे कि आप कहते थे चल बाहर आ अखाड़े में तुझे देखती हूँ? मैं सबसे बड़ी थी कपिल जी, तो आपसे तो पंगा लेती नहीं, मेरे से तो पंगा लेती नहीं थी, तो बाकी बबीता और ये बताएंगे। तो आप लोगों में लड़ाइयाँ होती कभी? हमारी लड़ाई हो जाती थी, लेकिन मम्मी बोलती थी कि यहाँ पे क्या लड़ाई कर रही हो, चलो मम्मी मैट पे दिखाओ किसमें ज्यादा दम है। तो क्या बात है यार, घर पे मतलब लड़ाई भी हो तो भी मैच। और तो मतलब बहने ही नहीं, मेरी माँ भी कई बार बोलती है जब मतलब कहीं हार के हम आ जाए तो वहां तो उससे हार आई, अब माँ के साथ लड़ रही है। तो आप फिल्में वगैरह आपने देखी, मतलब देखती थी उस समय? तो नहीं देखती थी मेरे अब से, अब तो 4-5 साल से हम फिर भी बाहर रहे हैं तो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम साल में एक बार 26 जनवरी देखते थे। 26 जनवरी का टीवी पे परेड आती है? यस, वही देखते थे, और सुबह नहा धो के जल्दी तैयार हो जाते थे कि 10 बजे 11 बजे 26 जनवरी आएगा।
वो स्वीट क्योंकि मेरे पापा और कुछ देखने ही नहीं देते थे. अभी देखने देते हैं, अभी तो आप गोल्ड जीता ही, तो अभी फिल्म में देख लेती हैं. हमें अभी भी आज भी मतलब पापा अगर आते हैं तो हम न्यूज़ पे लगा लेते हैं, स्पोर्ट्स चैनल पे लगा लेते हैं. हालांकि उनकी पैनी नजर तो रहती है, पर अभी उनको ये हो गया कि अभी बेटियां बड़ी हो गई हैं तो ये समझदार है, तो अभी वैसे ही खुद ही अपनी प्रैक्टिस पे इतना ध्यान देती हैं कि अब थोड़े रिलैक्स लग रहे हैं. वो देखो उसे कैसे बैठे हैं. कुछ लेंगे चाय कॉफी? नहीं धन्यवाद. पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे आपको नींद आ रही. वैसे आपका फेवरेट कौन है बॉलीवुड में, कोई है? सबसे फेवरेट मेरे सन्नी देओल जी है और यहाँ पे भी पैशन नहीं छोड़ा. आदमी भी चुना तो सनी देओल, 2.5 किलो बाहर. पर मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये शायद सनी देओल की फैन होगी निकली भी. आप भी पिता? नहीं, मेरे सलमान खान और आमिर खान दोनों रहे. अभी मेरी एक और फिल्म आ रही है, उसके बाद आप मेरी फैन हो जाएंगे. आपके शो के फैन, आपके फैन है. बिल्कुल. थैंक यू पिता. आपको पता मेरे पिताजी भी पहलवान थे, और वो पहलवानी करते करते फिर पुलिस में भर्ती हो गए थे. मेरे पिताजी का एक बड़ा मज़ेदार किस्सा था, मैंने कभी शेयर नहीं किया. जैसे आपने बाल कटवाए ना बेटियों के, तो मेरे पिताजी खुद ही अमृतसर में, भाजी भद्रकाली मंदिर है ना, बिल्कुल है, वहाँ पे मेरे पापा और 2-3 दोस्त, उन्होंने खाड़ा पूरा खुद बनाया, खाड़ा पुट के ना, तो खुद ही बनाया मिट्टी का, और पूरा बाल सफा चट करा देते कि मेरी तरफ कोई देखे ना. मेरे पापा एक्चुअली बहुत हैंडसम थे, मेरे पे गए थे. मैं बहुत मिस करता हूँ कभी कभी उस आदमी को, बहुत बढ़िया मेरा दोस्त था. ये पहली बार देखा कि बेटे पे भाप गया. पाजी बड़ा मजेदार किस्सा है. मुझे समझ में नहीं आई आज तक, तू समझा दे. मेरी मम्मी अभी पंजाब है, होती तो मैं आपको को किस्सा सुनाता. मेरे ना नानके में, मेरे ननिहाल नानके साइड में, सबके सब पुलिस में है. तो मेरे नाना ने मेहनत करके पुलिस वाला दामाद ढूंढा. तो ऊपर से बताया कि मेरा तो पहलवान भी है. तो मेरे डैडी घोड़ी पे चढ़ के बारात जब एंटर हुई ना गांव में, तो गांव में किसी ने बोल दिया होगा, किसी अमली ने, किसी नशेड़ी ने, तेरा वो पहलवान है तो कुश्ती करा. तो गांव में भी कोई पहलवान था, तो मेरे पापा थोड़े टेक्निक वाले पहलवान थे. तो वो जो था वो घी खा के अंधा हुआ था, उसको कुछ पता नहीं. डैडी ने 2 मिनट में उसको मतलब चित कर दिया, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर. तो मेरी मम्मी कहती मैंने भी कुश्ती देखने जाना, कहते नहीं नहीं अगर उसने तुझे देख लिया मना ना कर दे. मम्मी आई लव यू. हरविंदर मुझे एक बात बताओ, जैसे आमतौर पे किसी लड़की को कोई परेशान करे, बदतमीज कोई लड़का, तो वो कहती है मैं अपने भाई को बुला के लाती हूँ. हाँ जी. तो आपकी बहनें तो खुद ही पहलवान है, तो आपने कभी किसी को धमकी दी है कि किसी लड़के ने बताया कि मैं अपनी बहनों को बुला के लाता हूँ? ऐसी कभी नौबत नहीं आई. अच्छा ये सच्ची बात है महावीर जी? मैं आंटी आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने दंगल में ही देखा है फिल्म में, इन्होंने एक्चुअली प्रण किया था कि मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊंगा और अपने बेटे को पहलवान बनाऊंगा. तो जब पहली बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, तो लोग कहते हैं कि होते ना हर गांव में सारे सयाने होते हैं, एक दूसरे को नुस्खे बताते हैं, तो आपको नुस्खे बताते थे कि बेटा होने के नुस्खे ये, और ये सही बात? हाँ जी सही बात है. सबसे पहले तो मेरी माँ व्रत रखती थी लड़के के लिए. अच्छा. हाँ, कि लड़का हो मुझे. तो पहले आप लड़के के लिए व्रत रखती थी, अब लड़कियों के मेडल रख रही है. कहने का मतलब है लड़का लड़की ये तो सब ऊपर वाले की माया है, पर कोई कुछ भी कर सकता है. आपके मन में सच्ची लगन होनी चाहिए. अच्छा जैसे महावीर जी, जैसे नॉर्मल लड़का लड़के का रिश्ता होता है जब अरेंज मैरिज होती है, तो कुंडलियां मिलाई जाती हैं. अभी हाल ही में गीता की शादी हुई, तो आपने मेडल मिलाए थे आपस में? शादी मतलब? पहले तो मैं आपको सच्चाई बताऊं. जी देखो, अगर मेरा लड़का होता या किसी लड़का है जी, तो वो अपने जो लड़के शादी करता है जी, तो वो कहता है मैं फलाने गांव में लड़की देख के आऊँ, देखो उसके तू देख ले, पसंद कर ले. तो मैंने ये थोड़ी इजाज़त दे रखी है, पहली पसंद आपकी होगी जी, लड़कियों की, जहाँ चाहो वहाँ रिश्ता करूँगा, और जब को उस टाइम तुम्हारी शादी करूँगा. और ये मैंने आज पूरी छूट दे रखी है सारी लड़कियों, जबकि हरियाणा माँ बाप इतनी छूट देते हैं जी. अरे ये तो बहुत बड़ी बात. गीता भी आपकी शादी मेरे ख्याल से रिसेंटली हुई ना? यस 20 नवंबर को हुई. 20 नवंबर को हुई है जी. मियाँ बीबी में नोकझोंक तो नहीं होती मतलब? मुझे तो लगता है इनकी नोकझोंक भी होती होगी तो सीधे कहती होंगी चलो आ जाओ फिर अखाड़े में. अगर गीता बबीता खुद ही हीरोइन होती फिल्म में, क्योंकि इन्हीं की लाइफ के ऊपर है, तो मैं आपको एक डायलॉग दूं, आपको याद रहेगा. तो जब दोनों लड़कियां एक लड़के को पीट देती हैं, तो
तो पिताजी पूछते हैं क्यों किया है, तो वो डायलॉग है कहती शुरुआत इन्होंने करी थी पापा, मन्ने कुतिया कह रहा था बबीता ने कमी नहीं तो हमने भी दियो चार धर दी। ये डायलॉग बोलना है मुझे, डायलॉग बोल के तो मजा आएगा क्योंकि लोग चाहते हैं कि ओरिजिनल हीरोइन जो है गीता बबीता वो अगर बोलेंगी तो कैसे बोलेंगी। शुरुआत इसने करी थी पापा, मन्ने ना करी गीता ने कुतिया कह सर मन्ने कमी नहीं मन्ने भी धर दिए दो चार। क्या बात है, एक्चुअली इनके पास टाइम होता तो ये खुद ही कर लेती फिल्म, नेचुरल है ना ये। गीता बबीता आप देश का गौरव है, थैंक यू। आपके पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे आपके ढेर सारे फैंस हैं वो आपसे बातें करना चाहते हैं, आप जो भी गीता बबीता से महावीर जी से आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, आओ जी आप तो जरूर पूछो। हेलो सर, वो 150 बादाम खाती है ये 2 खाता है। हेलो मैडम, मैम आपके ऊपर फिल्म बनी है दंगल, उसमें एक डायलॉग है कि मारी छोरियाँ छोरों से कम है क्या, तो वैसे आपको तो देख के लग नहीं रहा कि आप किसी से कम होगी, लेकिन थैंक यू, हम आपके साथ फाइट करना चाहते हैं, फाइट कुछ से लड़ना चाहते हैं। एक काम करता हूँ, उनके भाई भी आए हैं, भाई साहब आओ, आइए आइए आ जाओ, तुम्हें बड़ा शौक है ना फाइट करने का। सर मेरे दोस्त लोग भी हैं, लोग कोई सबको ले आओ, उनके भी दोस्त लोग आए हैं, भाई को देख के दोस्त लोग याद आ गए, आइए आइए आ जाओ आ जाओ। सुनो मेरी बात, इधर आओ तीनों, आ जाओ आ जाओ, जूते देखो तो मिठुन चक्रवर्ती के, तुम लोग फाइट क्यों करना चाहते हो, जाओ कहीं दुआ करो। कपिल जी एक के साथ रितु को, रितु रितु कम रितु रितु जो सबसे स्ट्रांग तुम्हें लगता है चुन लो। बारी बारी एक एक तीनों ही कह रहे, तीनों ही आ जाए, चलो आ जाओ अभी आओ। कुश्ती कुश्ती गीत 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 कुछ तो कर आगे, माफी मांग ले यार, कुछ तो कर, तू तो बलि दे रहा है अपनी, आदमी एफर्ट तो करता है, बचता ही है, भाग ही जा, कुछ तो कर, आ जा। हाँ मेरे गाये दीन। क्या क्या कर रहे हैं? यार आओ बैठे इधर, आज बैठे, बैठे बैठे क्या किया जाए हैं? छोड़ दिया जाए सर। नहीं ये किसका आइडिया था कुश्ती करना? सर मेरे ही था, माफी मांग रहा हूँ सर। तुम्हें पता है मैं, तूने मुझे हक किया ना तो मुझे पता चला तूने डीओ नहीं लगाया, तो मुझे लगता है उसने गुस्से में इसलिए भी तुम्हें थोड़ा ज्यादा पकड़ के, मैं ना बेटा ऐसे काम नहीं करने, जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता भी नहीं पूछना, ठीक है? हमने क्यों लड़ना मरना, मैं भी तो बैठा हूँ, मैंने पंगा लिया ना, क्यों अपनी कमर तोड़वानी है ना, अपने माँ बाप का रोशन नाम करना है बड़े होके, फटाफट निकलो ऐसे हैं। ठीक है ठीक है, थैंक यू, कैसे ओके बेटा देखो उनको देख के बहुत कहानियां बनी है, लेकिन तुझे देख के लड़ते हुए देख के मुझे आज बहुत फक्र हुआ, हिंदुस्तानी होने का बहुत फक्र, सच्ची बोल रहा हूं। रितु माय डियर सो सो प्राउड ऑफ यू, ये आपके लिए खूबसूरत मोबाइल। अभी प्रो रेसलिंग में रितु की सबसे महंगी इसकी बोली लगी ऑक्शन में। अच्छा रितु सबसे महंगी खिलाड़ी। Congratulations! We are really? so proud of you. और कोई मेरे दोस्त? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके दंगल मूवी में एक सीन दिखाया है कि आप जब बचपन में थी तब शादी में जाके
डांस करती थी, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम लोग सभी एक देखना चाहोगे कि वो शरारत वाला डांस आप यहाँ पे हमें करके दिखाइए प्लीज़ मैम। मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता कपिल। प्लीज प्लीज मैम प्लीज थोड़ा सा। और पापा साथ में बैठे हो तो जो आता है वो भी भूल जाते हैं हम डांस। रितु आपको आता है संगीता को? लो ये संगीता देख लो, अगर आपको उनकी रिक्वेस्ट माननी है तो आप ही के गाने पे ये संगीता चलो आ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, लग नहीं रहा था आपको अच्छा लगा, गाना चल रहा था आप तो सीधी खड़ी हो गई। और कोई मेरे दोस्त महानुभाव? जी सर। कपिल माय नेम इज शैलेश गहलोत, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा, पर मूल निवासी हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट झज्जर है जी, जी, उसमें जी। एक शहर है भादुरगढ़, वहाँ का मैं बेसिकली मूल निवासी में वहाँ का हूँ। ओके। आज हम फिल्म सिटी में घूमने आए थे तो वी लैंड अप एट योर शो, जो पसंद करते थे, हमें नहीं पता था आज गीता बबीता और महावीर फोगाट जी आ रहे हैं। अच्छा जी। और उनके यहाँ पे आने से वी रियली फील वेरी प्राउड, कॉन्ग्रेचुलेशन गीता एंड बबीता, वेरी फील वेरी वेरी प्राउड दैट यू आर मेकिंग आवर स्टेट एंड आवर कंट्री प्राउड। मेरे दोस्त ने बताया कि हमारे हरियाणा में थोड़ा सा जैसे जो भी रेसलिंग करते हैं या दंगल करते हैं उनको सम्मानित करने का कल्चर है, तो मेरे मन में आई, मैंने आपकी प्रोडक्शन टीम से बात की क्या हम कर सकते हैं, आपका शो अलाउ करे, तो मैं महावीर फोगाट जी का स्पेशली, क्योंकि इन्होंने तो मेहनत की पर उनकी वजह से मेहनत की है जी। अगर आप अलाउ करें तो ज़रूर मैं उनका एक सम्मान करना चाहता हूँ 51,000 रुपीज़ के साथ। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना नहीं चाहिए, स्टेट हमारा एक ही चीज़ में पिछड़ा हुआ था थोड़ा सा, वुमन एम्पावरमेंट में और बेटियों के लिए। बड़ा गर्व महसूस हो रहा है जाट होने के नाते भी और पूरा इंडियन होने के नाते भी। बहुत अच्छे विचार हैं सर आपके, और मेरी दुआ है कि नेक्स्ट टाइम आप जरूर आए और मुझे भी सम्मानित करें। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। चलो 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 चलो, सारे जिले के दो चक्कर लगाने हैं। चलो डॉक्टर साहब मुबारक हो, फाइनली आप आज पागल हो ही गए पूरे। किससे बातें करी जा रहे हैं आप? मैं अपने जीजा जी से बात कर रहा हूँ कि मेरी बहन को तंग ना करें। अरे देख नहीं रहे मैं छोरियों को ट्रेनिंग दे रहा, किधर गई छोरियाँ? ओ ये तो यहाँ है, फोगाट फैमिली, व्हाट अ गोल्डन डे। Very nice to meet you. Thank you. Hello. This is Dr. Mashur Gulati. Hello. I like your hat, sir. Really nice. This is Dr. Mashur Gulati. ICU. ICU matlab? शो का नाम रखो द क्या मतलब शो। क्या मतलब? मतलब ICU का मतलब नहीं पता क्या होता है? आई सल्यूट यू, ये मतलब है ICU का। पहले सल्यूट तो ऐसे होता है, सी से थोड़ी होता है। अब मैं हूँ डॉक्टर, मैं कोई बिल्ली थोड़ी हूँ जो मुझे स्पेलिंग पता होंगे हर चीज के। बैठो इधर डॉक्टर साहब, आप पागल तो नहीं हो गए? बिल्ली को कौन से स्पेलिंग आते हैं मेरे को बताओ। नहीं नहीं, बिल्लियाँ बड़ी समझदार होती हैं। मैंने एक दिन बिल्ली थी, मैंने कहा बताओ भी कैट कैसे बोलती है, तो कहती मियाऊ। और मिस्टर फोगाट आप बिल्कुल आज सही समय पे आए हैं, मैं ये बता दूं आज एक पार्टी टाइम है, यू नो मेरी बेटी ने पहली बार दंगल जीता है। लेट्स हैव अ पार्टी टाइम सिद्धू साहब, पार्टी टाइम। एक मिनट डर चल रही है, वो पहलवान लोग तली चीजें नहीं खाते, ऐसे कौन करता है पार्टी, पहले मुझे बताओ। नहीं वो एक्चुअली क्या था ना, मेरे पास कैश नहीं था बियर वगैरह के लिए। कैश की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, ATM कार्ड मेरे पास है नहीं, बैंक में अकाउंट मेरा खुला नहीं है, तो फिर मैं ये ले आया। अच्छा आपको मैं बता दूं, मेरे को भी ना आपकी तरह बड़ी अच्छी कुश्ती चलानी आती है, डेढ़ डेढ़ दो दो किलोमीटर तक मैं बिना चप्पू के कुश्ती चला लेता हूँ। वो कश्ती होती है बेवकूफ, कुश्ती चला लेता। कुश्ती कौन चलाता है? कुश्ती तो लड़ते हैं, लड़ते कुश्ती लड़ते हैं, वो कश्ती होती है जो। मुझे पता है, कैसा लगा मेरा मजाक?
एनीवे महावीर जी, जैसे आप बेटियों को कुश्ती की ट्रेनिंग आप दे रहे थे, उसी तरह मैंने भी अपनी छोरियों को ट्रेनिंग दी हुई है। तो मैं अपनी छोरियों को बुलाता हूँ, आपसे मिलवाता हूँ उनसे। छोरियों छोरियाँ नहीं छोरियाँ, हमारी छोरियाँ के छोरियों से कम है के? आज आप सबको मेरा प्रणाम, प्लीज ले लीजिए, मैं खुद मेरी हाथों से आपके लिए लस्सी बना अपने हाथों से कहा उसके हाथों से है तो अपने हाथों से लाई हूँ, अपने हाथों से रास्ता दिखा रही हो तुम उसको। डॉक्टर साहब, हाँ जी, आप कुश्ती सिखा रहे हैं? बहुत हो गया, मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं दंगल लड़ना है मैंने। ये छोरी दंगल लड़ती नहीं है, इसकी वजह से दंगल होते हैं, तुमको पता नहीं है। लेकिन आज मुझे कुश्ती सीखनी है और इस मोहल्ले में जो आवारा लड़का मुझे चेटते है ना, मैं उसको पटक के मारूंगी। तुम कुश्ती क्यों सीखना चाहती हो लॉटरी? तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं उस नेवले जैसे लड़के का मुंह तोड़ दूंगा। खबरदार अगर मुझे कुछ कहा तो। आपको कब कहा? मेरे को पता नहीं नेवले जैसा कौन लगता है। देखा है सवेरे अपना मुंह। मैं खुद कुश्ती सीखना चाहती हूँ और मैं उसे सीखना चाहती हूँ जो फोगाट फैमिली में किसी एक को हराएगा। कपू, यू आर वेरी हैंडसम, यू वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ये फिल्म भी आ रही है भाई, चलो फाइट इट आउट। नहीं, मैं क्या, आपकी कुलीग है, आप लड़ो ना उनके साथ, मैं क्यों लड़ू जाके? नहीं, मैं बुजुर्ग हूँ, मेरे से खाली। आपने मैरिज प्रपोजल दिया मुझे हैं? कल और फिर आज में तो बड़ा फर्क हो गया ना। एक दिन में बड़ा कुछ हो जाता है जी। 7 तारीख को नोट चल रहे थे, 8 तारीख को बंद हो गए। दिन छोड़ो, मैं तो ये कहता हूँ, अभी टाइम की बात कर लो तो कपिल शर्मा शो आ रहे, लोग हंस रहे हैं, इसके 1 घंटे बाद क्राइम पेट्रोल आएगा, लोग शकी मिजाज लेके बैठ जाएंगे, मोमेंट तो चेंज हो जाता है। नहीं, ये सब चोट, प्लीज ना लड़ना। नहीं मैं नहीं। डॉक्टर साहब, आप लड़ो। अरे मेरे को याद आ गया, मेरे अंदर ना कुछ खुला पड़ा। क्या खुला पड़ा है? अब देखूंगा तो पता चलेगा ना क्या खुला पड़ा है। हजार चीजें होती है घर में। ये लोग सब छोड़, मैं सच में कुश्ती सीखना चाहती हूँ, क्योंकि बस मेरे लिए नहीं, सब लड़कियों के लिए मुझे लग रहा है कि सेल्फ डिफेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे आपने वो छोटा लड़का को उठाया ना, मुझे भी करना है, तो प्लीज मुझे कुछ सीखो ना। तो आप कुश्ती सीखना चाहते हैं? सेल्फ डिफेंस, ये एक्चुअली बड़ी अच्छी बात है, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। मैं आप आज इधर आओ, आपको कुश्ती बाद में सीखना, पहले सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे हम लड़कियों को। जी आओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ, कोई जो भी आ जाए। तो जो बदतमीज लड़के ईव टीजिंग करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, ये उनके लिए हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। एक्चुअली इस मोहल्ले में क्या होते है, कभी कभी लोगों मुझे बहुत छेड़ते हैं, तो आई नीड 1 or 2 tips उनको कैसे मैं खुद को सेल्फ डिफेंड कर सकते। उसको गर्दन से खींचा और पैरों में से उठा के पटक दिया। कैसे? कैसे? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। कहाँ से? गर्दन मीन्स इधर, यहाँ से हाँ दिखाओ मुझे। ये माइक है प्लीज। ये खींचा, ये ऊपर उठाएगा गर्दन, ओके, ये खींचा और ये उठा दिया, ये फिर कैसे घुमाते रहो? नहीं हो रहे। तो अभी ये जो आपने सीखा है, जाके डॉक्टर पे ट्राई करो जाके। ऑलराइट। नाइस हेयर कट, बहुत सूट कर रहा है तुम पे। अरे कपू, तुम हाथ बोलो सूट क्या, अपना शादी का जोड़ा तैयार है। देख सरला, एज ए फ्रेंड मैं तेरे को सलाह देता हूँ एक, तू ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, तब तक 4th class में बैठी रहेगी। मैंने तैयारी शुरू कर दी है और एक दिन मैं भी गीता और बबीता की तरह एक मेडल लेकर आऊंगी। बस एक बार मैं दंगल जीत जाऊं, फिर देखना कैसे सारे लड़के मुझसे शादी करने के लिए यू रेडी हो जाएंगे। दंगल? कल लंगर में लड़ाई कर रही थी। लंगर लगा, वो कहती है अंकल जी दो चपाती देना, 2 चपाती थी, फिर उसने दाल डाली, इसने एक हाथ में पकड़ लिया, मेरी बहन के लिए भी दे दो कहती, फिर उसने बहन के लिए भी दे दिया, कहती है मेरे पापा के लिए भी, कहता आप कहां दो, कहते मेरे मुंह में डाल दो। दंगल जीतेगी,
हाँ मेरा बेटा आजा 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 बेटा ये ले बादाम ले ले बादाम ले ले बेटा मेरा और सब एक बादाम खिला के आप पहलवान बनाएंगे इसको तो तुम 100 खिला दो पर मैं बादाम खिला नहीं रहा हूँ समझ आई मैंने इसको सिर्फ बादाम चूसने के लिए दिया 5 दिन चूसेगी जब उसका छिलका निकल जाएगा मुँह में रखेगी मैं वो बादाम खा जाऊंगा क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बादाम भिगो के खाने के लिए कहा हुआ कौन से डॉक्टर ने कहा है मैंने कहा है खुद डॉक्टर है मैं एक और कोई आएगा मेरे को कहने के लिए कौन से डॉक्टर ने कहा है बेटा ये मेरा बीपी बढ़ा देता है बाबा कूल डाउन मतलब कुछ नहीं सर मैं आपको बता रहा हूँ मेरी बेटी में बहुत पोटेंशियल है हीमोग्लोबिन कम है पोटेंशियल बहुत है मैंने इसको कुश्ती सिखाई है इन्होंने कुश्ती उश्ती कोई नहीं सिखाई थी इन्होंने चोरी सिखाई है इनका डायलॉग बड़ा फेमस है कहता मारी छोरियाँ चोरों से कम है क्या हमारी कमाई पे नजर रखो तुम हमेशा हर वक्त कैसा होने नहीं देगा नजर लगने नहीं देगा मैं आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं मेरी बेटी का पोटेंशियल अपनी बेटियों से लड़ाई करवा के अभी देख सकते हैं आप पापा उन्होंने गोल्ड मेडल जीता मैं तो अभी सीख रही हूँ ना वो भी आप सिखा रहे कैसे डॉक्टर साहब वैसे भी आपकी बेटी थोड़ी सी है वो भी खत्म करवा बैठेंगे चलो बेटी चलो लड़ो लड़ो शुरू करो हाँ बबीता के साथ कुश्ती गीता के साथ चलो पापा ऑल द बेस्ट मेरे बेटे आपकी बेटी तो बेहोश हो गई आओ आप ये तो इतना ही इतने में मर जाती है आ जाओ भागो भागो भालू 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 आपकी बेटी बेहोश पड़ी आप भाग रहे हो मैं जिंदा रहना तो बेटी और भी आ जाएंगी नमस्ते 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 हाँ पर आज बिना मेकअप के आ गई तू क्या आज मेकअप नहीं करके आई बालू से लग रही तू पता नहीं क्यों मेरे हाथों में आपको ये दिखाई दे रहा है फिर भी आप इसे सवाल पूछ रहे हैं आप बिना शिक्षा दीक्षा भिक्षा और रिक्शा के इस पृथ्वी लोक पे आ गए मैंने आपसे कुछ कहा और वैसे भी आपको ऐसा आइडिया है कि आपकी किसी दिन शादी होगी आपके बच्चे होंगे और लोग आपके बच्चों से पूछेंगे कि आपके पापा क्या करते हैं बेटा तो आपके बच्चे कहेंगे मेरे पापा तो बस बातें करते हैं बस बस सिर्फ बातें ही करते हैं अरे भाई कभी इन्हें भी बात करने का मौका दीजिए और अगर इतना ही बातें करने का शौक है तो आप एक काम कीजिए इनसे बातें कर लीजिए ये केले केले बोर हो रहे हैं सच्चाई तो ये है कि भालू बनना मेरी एक मजबूरी है एक्चुअली हुआ क्या ना कि मैं कुश्ती बहुत पसंद करती हूँ और आप तो लाइक ऑलमोस्ट मेरी गुरु ही हैं आपसे ही सीखा है मैंने पर ये 200 kg की कैटेगरी में लड़ने के लिए मुझे कोई इंसान मिल नहीं रहा था इसलिए मैं जंगल में जाके दंगल कर रही थी अब वहां पर मैं आपको बता रही हूँ सारे के सारे जानवरों को मैंने सीधा कर दिया है सांप होता है ना सांप ऐसे चलता है ना अब जाके देखिए वो ऐसे चल रहा है चमगादड़ सारे के सारे ऐसे उल्टे होते हैं ना अब जाके देखिए पेड़ में ऐसे सीधे खड़े हुए हैं सारे अब आप सिद्धू जी को ही देख लीजिए क्या उनका क्या क्या देख ले सिद्धू जी का क्या नहीं उनका कुछ नहीं बस देख लीजिए सारा दिन कंपर एक पटका ना डॉक्टर साहब को भी दे रहा है ये अपना थोड़ा हेयर स्टाइल ठीक होगा इनका ऐसे पटक के मार इनको चल चल देखिए सोनी साहब कैसा आपने वायलेंट होस्ट रखा हुआ है पटक के मारने से हेयर स्टाइल ठीक कर रहा है मेरा बताओ और बम्पर तू सुबह से कहां थी मरीजों के कपड़े कौन धोएगा अरे वो मैं घर से निकली थी ना मेरे सामने एक ऊंट आ गया अच्छा। तो उसकी पीठ पे ऐसे धपा धप देके उसका कुंभड़ मैंने एकदम सीधा कर दिया सपाट और देखिए उसके 6 लोग बैठ सकते हैं वो भी बिना फिसले और ये करते हुए एक हाथी ने मुझे देख लिया पर मुझे बड़ा गुस्सा है मैं हाथी को ऐसा धपा धप धो के आ रही हूँ ना तो क्या हो गया अपने परिवार वालों से लड़ रही थी उसमें कौन सी बड़ी बात अगर हिम्मत है ना तो हाथी छोड़ मैं कहता हूँ लोमड़ी से लड़के दिखा लोमड़ी एज एन एनिमल बहुत चलाक होती है इज इट सो तो आप ले आइए ना एक मेरी ग्रेटनेस कॉपी कर मेरी नकल मत कर ये वाली लाइए लोमड़ी को लाइए आप मेरे सामने लाइए लोमड़ी चल बेटी तेरी बारी आ गई
बेटा बच्चा। अरे पापा मैं कहाँ से लोमड़ी लगती हूँ? तू लोमड़े की बेटी है तो लोमड़ी होएगी ना। चलो लड़ो लड़ो। कैसे बाप है आप अपनी बेटी को बम्पर के साथ कुश्ती लड़वाएंगे? मेरी हड्डी पसली टूट गई तो मैं डॉक्टर तो मैं जोड़ देगा। बेटे घर का डॉक्टर है और पैसे की कोई बात नहीं, तेरा पिग्गी बैंक का तोड़ के जितने दे दे बस। मैं आपकी असली बेटी हूँ, सगी बेटी। बेटा होनी को कौन टाल सकता है? हो गया जो हो गया। बम्पर तो मुझसे क्या कुश्ती लड़ोगी? हाँ क्या, अब मैं तो अब भी इनसे हारी हूँ। अगर तुम्हें ताकत है ना तो मेरे गुरु से लड़के दिखाओ, मेरे पापा से लड़के दिखाओ। अरे चढ़ाप, मैं एक आदमी हूँ, मैं लड़की पे हाथ नहीं उठाता है। एक मिनट, अगर ऐसा कोई टेंशन है मैं अंदर जाके लड़का बन के आ सकती हूँ। बम्पर अगर तुम्हें दम है तो पापा को पीट कर दिखाओ, अगर दम है तो घसीट के दिखाओ, और अगर दम है तो हड्डी पसली एक कर कर दिखाओ। मेरे पापा किसी छोरी से कम है के? आ जाइए डॉक्टर। मेरा कुछ घर पे खुला पड़ा है वो। आइए मेरी बात सुनो। अरे आइए ना। मैं किसी से डरता है क्या? करला तेरा बाप रात को नाइटी पहनता है अंदर से? ये मेरा बाप नहीं है। या फिर तेरी माँ, इसने मुझे लगाई हुई है। आप मारने के बाद कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा पटका है मुझको, ऐसा पटका है मुझको, हड्डी टूट गई मेरी सारी। ऐसा पटका है मुझको, हड्डी टूट गई मेरी सारी। अब तो हॉस्पिटल में मेरी है एडमिट की तैयारी। बेटी बेटी तू नहीं बिल्कुल नालायक है। बेटी है मेरे को इतने जोर से पीटा, मेरे को इतनी जोर से पीटा, मैं एक नन्ना डॉक्टर है। गीता बबीता एक सेल्फी आपके पापा साथ। कपड़े पहन लो अंदर जाके। थैंक यू। बचपन से कुश्ती की तमन्ना थी सिद्धू साहब, आज तो पूरा का पूरा अखाड़ा यहाँ आ गया। नानी इतने बड़े पहलवान है, गुस्से में गर्म हो गए तो? तुझे क्या पता, मेरी अदाएं देखकर अगर ये धर्म ना हो जाए तो मेरा भी नाम बसंती नहीं। महावीर जी, महावीर जी, देश के लिए गोल्ड ले आते रहो, ये नहीं कि मेरे लिए कभी चांदी ले आओ। चलो कोई बात नहीं, अपनी आंखों में जो मेरे लिए प्यार लेकर आए हो उसी से मैं काम चला लूंगी। नानी वो तेरी आंखों में भी नहीं देखा उन्होंने एक बार, तो अकेली बोलती जा रही बोलती नहीं जा रही। नहीं, इज अ साइलेंट लवर। महावीर जी, मैं कह रही थी एक हाथ ऐसा कोई दाव पे सिखा दो ना मुझे, कि जब भी कोई मुझे छेड़े तो मैं उनको हैंडल कर लूं। ये गीता सिखा देगी? ये तो नहीं, मैं आपसे सीखना। मुझे पता है मेरी बहन आई है, बहन अगर आपको एतराज ना हो तो मैं सीख लूं। क्या है ना, आजकल मार्केट में 1000 का नोट और ऐसे पहलवान आना बंद हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। नानी तंग मत कर महावीर जी को, चलो अभी वापस जाओ। अच्छा नंबर बता के जाती हूँ। अरे मेरे बच्चों, बहन, मिस यू। एक बार गीता बबीता महावीर जी और पूरी फोगाट फैमिली के लिए जोरदार तालियां।